कभी कोई भंड ऐसा पकड़ा हो सोशल मीडिया पर आपकी नजरों में आ गया हो जो कि हम एंकर और फेक न्यूज की भी भरमार है, कोई इंटरेस्टिंग फेक न्यूज की भी भरमार है? देखिए, हम लोगों ने जो बहुत मजे के भंड देखने को मिले थे वो कोविड टाइम्स में देखे थे। आपको याद होगा कि यू नो वो घर से शोज हो रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, मीटिंग्स में भी आ रहे हैं, तो वो वाले टाइम्स देयर वर डिफरेंट टाइम्स ऑब्वियसली, तो वो वाले जरा इंटरेस्टिंग होते हैं। और पता है हम लोग तो मास्क लगा के, एक टाइम आया था कि हमने मास्क लगा के हम बैठे हुए बैठे होते थे और हर थोड़ी देर सैनिटाइज ग्लव्स पहने हुए थे, वो तो दौर ही एक फर्क था। बट यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, हम देख रहे होते हैं। ऑब्वियसली ये सारे इतने प्यारे हैं कि हम इनके वो भांड ऑन एयर भी नहीं कर सकते, हम कभी कभार इनको खुद भेज देते हैं कि ये हमने एडिट कर दिया है, पर्सनली भेज देती हैं आप ये देख लें कि हमने ये, मुझे इतने ये सारे प्यारे मैं क्या कर सकती हूँ, ऑन एयर तो नहीं कर सकती इनके वो सारी चीज़ें। सोचे अपने लोगों को हम यू नो वो टारगेट बना रहे हैं तो गलत बात। अच्छा कोई ट्रिक बताइए सोशल मीडिया पे ये जो सारा कुछ चल रहा है, ये जो व्यूज की एक दौड़ लगी हुई है नूर फातिमा, उसको आप किस तरह से कम्पीट करती हैं? क्योंकि न्यूज एक ड्राई सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप इंटरेस्टिंग एलिमेंट किस तरह से निकालती हैं ये भी देखिए। वो अगेन घूम फिर के ना बात कॉन्टेंट पे आ जाती है। आपका कॉन्टेंट स्ट्रांग है, आप जो बातें कर रहे हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं, इंटरेस्टिंग हैं, इंगेजिंग है, ऑडियंस आपके साथ बैठेगी। अगर आपका वही घिसा पिटा पुराना कॉन्टेंट है और हम वही पुरानी बातें करें तो वाई वुड एनीबडी want to watch it, let alone जिसने postings करानी है वो खुद ही कहेगी कि यार ये तो वही पुराना content है। So घूम फिर के आपकी बात content पे आती है। जितनी आपकी strong आपकी research होगी, आपने काम किया होगा, उतना ही मज़ेदार आपको खुद भी enjoy करेंगे आप उन सारी चीज़ों के अंदर करने में। And I think somewhat हम लोगों को ना वो पुरानी रिवायती चीज़ों को छोड़ना भी पड़ेगा जिनके साथ हम बड़े comfortable हो गए हुए थे। तो आप जितना ट्रेंडी चीज़ें लाएंगे, ट्रेंडी टॉपिक्स को पिक करेंगे, उतना ही आप उसको एंजॉय करेंगे खुद भी एज ए पर्सन। तो दैट्स हाउ यू नो यू गेट द व्यूज। एंड बिगिनर्स के लिए आपका क्या मशवरा है? मतलब बहुत से लोग हैं जो सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका मतलब व्यूज नहीं आ रहे, उनको क्या करना चाहिए आपके ख्याल में, क्योंकि आपकी ये डोमेन है, आप इसके एक्सपर्ट हैं। हम तो खुशी से एक मजाक से कह लेते ना कि भाई कुछ भी कर दो ये अब तो व्यूअरशिप आ जाती है, क्योंकि मीडियम इतना एक्सपैंड हो गया है, लोग इतने ज़्यादा कंटेंट बनाने लगे हैं। देन अगेन इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। आपको फॉरेन व्यूज़ नहीं आते, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, बार बार अपने कॉन्टेंट को, अपनी सारी रिसर्च को इम्प्रूव करना पड़ता है। साथ साथ जो नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, अब AI का दौर आ गया है, आपकी दुनिया बहुत आगे चली गई है, हमारी जो पाकिस्तानी व्यूअरशिप है वो नॉन सीरियस कंटेंट देखने में ज़्यादा क्या वजह है? क्योंकि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं या जितने भी सीरियस डिबेट्स हैं वो नॉलेज से रिलेटेड हों या फिर यूथ से रिलेटेड हों, उनको ये शिकवा रहता है, ये गिला रहता है कि जी जो नाच गाना चल रहा है उसको तो लोग देखिए, उसका एक ओवरऑल माहौल भी तो है ना। हम लोग हर टाइम इतनी सेंसिटिविटी में होते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल स्टफ इज़ वेल। अब देखिए मैं हम ईद के मौके पर हमने फिर वो इतनी ड्राई बातें करनी शुरू कर दी हैं, बट इट्स जस्ट दैट वो ओवरऑल इन्वायरमेंट इतनी को हमारे लिए स्ट्रेनिंग होती है कि इन द एंड ऑफ द डे हम भी कहते हैं यार कुछ लाइट देखें जो हमें जरा हमें लाइवली कर ले, एंजॉय करा, भी अच्छा लगता है कि हम वो देखना चाह रहे होते हैं जो कि शायद नॉर्मल हालात में कोई देखना ना चाहे, हमें वो चीज़ें भी अच्छी। एक शायद मेरे इस ख्याल में एक वजह ये भी है कि हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर इतने ज़्यादा पोलिटिकल डिबेट्स और इतने ज़्यादा चीज़ें हो जाती है, मार धार से मतलब लोग तंग आ चुके हैं, तो लोग माइंड चेंज करने। अच्छा अगर कोई ऐसा शो चल भी रहा है, कॉमेडी शो चल भी रहा है ना, तो उसमें भी पॉलिटिशियंस को मोस्टली चैनल्स बिठा देते हैं, तो अब वो सियासतदानों को देख देख के ना आवाम पक चुकी है, तो आवाम नहीं देखना चाहती।